I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to Chapter watch. 6 Natural Vegetation and Wildlife. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali, Himachal Pradesh, along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation. तो यहाँ पर बताया गया है, सलीमा जो है वो अपने स्कूल के साथ, अपने दोस्तों के साथ समर कैंप में गई है मनाली। तो वहां जाकर उसने देखा लैंडफॉर्म यानी कि जमीन जो है डिफरेंट तरह की, क्योंकि मनाली एक तरह का हिल स्टेशन है, तो वहां पर जो जमीन का प्रकार है वो चेंज हो गया है, थोड़ा अलग तरीके का। और नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में होने वाले पेड़ पौधे भी अलग हो जाएंगे, तो ये देखकर वो काफी सरप्राइज है। एज द बस क्लाइंब्ड हायर एंड हायर द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर्ड। अब जैसे जैसे उनकी बस पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ रही थी, ऊंचाई पर जाती जा रही थी, वैसे वैसे जो पेड़ थे जिसमें टीक और साल नामक जो पेड़ बताए गए हैं, ये दोनों पेड़ों के नाम हैं, ये जो पेड़ थे खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि ये पहाड़ की तलहटी में नीचे के हिस्से में होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं, तो ये धीरे धीरे गायब होने लगे। शी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स। जब वो ऊपर जा रही थी, उसको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, पतले पतले थिन पॉइंटेड लीव, जिसके पत्ते तीखे तीखे होते हैं, ऐसे पेड़ दिखाई देने लगे। उनका शेप था कोण की तरह, कोण जानते हैं ना आप, शेप क्रिसमस ट्री कैसा होता हमारा, तो उस तरह का उसका शेप, जैसे मैंने यहां पर बनाया है इस तरह का, तो कोण शेप उनका होने लगा कोण की तरह। शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफरस ट्रीज। उसको पता लगा कि ये पेड़ कौन से हैं, कॉनिफरस, इनको कॉनिफरस ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि इनका शेप कोण की तरह होता है। क्योंकि पहाड़ों पे आपको पता है बर्फ ज्यादा गिरती है, तो बर्फ गिरेगी और पेड़ के ऊपर वजन आ जाएगा तो पेड़ टूट जाएगा, इसलिए उनका शेप ऐसा होता है क्रिसमस ट्री की तरह, जिनको कॉनिफरस ट्रीज कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, बर्फ स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है। शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। उनके ऊपर ब्राइट चमकदार फूल भी थे। और दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स फ्रॉम मनाली। एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। अब उसने जो फ्लावर्स देखे चमकदार, वो उन फ्लावर्स को कहा जाता है रोडोडेंड्रॉन्स। इसके अलावा जब वो और आगे बढ़ने लगी रोहतांग पास, ये भी जगह का नाम है, रोहतांग पास की तरफ जो बढ़ने लगी, तो उसने देखा कि जमीन जो है वो छोटी छोटी घास और बर्फ से कवर हुई है, ढकी हुई है। नाउ फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस वी सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जमीन की हाइट, वो हाइट पे जा रहे थे ना पहाड़ी इलाके में, तो हाइट का और वेजिटेशन का बहुत ही संबंध है, यानी कि आप हाइट पे जाओगे तो वेजिटेशन चेंज हो जाएगी। वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे, तो जब आप हाइट पे जाओगे तो डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे आने लगेंगे। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट बढ़ेगी तो क्लाइमेट भी चेंज होने लगेगा। कैसा हो जाएगा क्लाइमेट, ठंडा, एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। तो क्लाइमेट बदलेगा तो क्लाइमेट से पेड़ पौधे भी तो बदलेंगे ना। हर एक पौधे को एक सेम टेम्परेचर नहीं चाहिए, अलग अलग पौधे अलग अलग टेम्परेचर में उगते हैं। कुछ ठंडी जगहों पे उगते हैं, कुछ गर्म पे उगते हैं, कुछ एवरेज जगहों पे उगते हैं, जिनको बारिश ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस तरीके से चेंज आता है उसमें। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब यहाँ पर जो वेजिटेशन की ग्रोथ थी वो डिपेंड किस पे करती है, दो चीज़ों के ऊपर, टेम्परेचर और मॉइस्चर। टेम्परेचर कितना है और मॉइस्चर, हवा के अंदर नमी कितनी है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है किसी भी जगह की वेजिटेशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। स्लोप, स्लोप आप जानते हैं ढलान, स्लोप, स्लोप कैसी है और सॉइल की थिकनेस कैसी है, सॉइल कितनी मोटी है वहाँ पर, इस पे भी वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति, जिसको हम वेजिटेशन कहते हैं, वो डिपेंड करती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, यानी कि सॉइल का टाइप, सॉइल की थिकनेस और वेजिटेशन, ये जगह जगह जाने पे बदलती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। कहीं पे टेम्परेचर सेम होता है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में सेम है टेम्परेचर,
यानी कि टेम्परेचर बदलेगा, सॉइल बदलेगी, सॉइल की थिकनेस बदलेगी, लैंडफॉर्म बदलेगा, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी बदल जाएगी। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। अब नेचुरल वेजिटेशन को लगभग तीन मेन कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट। पहला आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटिफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल खूब होते हैं, इतने होते हैं कि वो ट्रीज को उगने में मदद कर सके। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। अब इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हो, किन फैक्टर्स के ऊपर? टेम्परेचर और रेनफॉल, टेम्परेचर और बारिश, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने के हिसाब से जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट हैं, वो बनते हैं। एक होते हैं डेंस फॉरेस्ट, एक होते हैं ओपन फॉरेस्ट। पहले हम देखेंगे अभी ग्रासलैंड्स के, दूसरा जो है ग्रासलैंड्स। हमने देख लिया फॉरेस्ट तो देख लिया, अब आएगा अगला टाइप ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड ये वो रीजन होते हैं जहाँ पर कम रेनफॉल होती है, वहाँ पर घास होती है। अब ऊपर जो हमने फॉरेस्ट देखा, फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ बहुत बारिश होती है, इनफ रेनफॉल होती है। ग्रासलैंड वो एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है, एवरेज होती है। श्रब्स ये वो एरियाज हैं जहाँ पर थॉर्नी श्रब्स, थॉर्नी मतलब कांटेदार, थॉर्न्स मतलब होता है कांटे, कांटेदार झाड़ियाँ, स्क्रब्स, ऐसी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये कहाँ होती हैं? ड्राई रीजन्स के अंदर, सूखी जगह जहाँ पर बारिश कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ही मेंशन अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स, थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट एंड थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। तो सलीमा के पिता जो थे, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बताया कि जब वो पूरी दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में गए तो उन्होंने क्या क्या देखा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सलीमा रियलाइज द हिमालयस हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। अब सलीमा का कहना है कि जब इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएं, हमारी पृथ्वी कैसी है? एक तरह से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी गोल है, तो गोल पृथ्वी का बीच का जो पार्ट रहता है उसको इक्वेटर कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे होती है, और ऊपर का जो पार्ट रहता है उसको पोल्स कहा जाता है, और नीचे का पार्ट उसको भी पोल कहा जाता है, ऊपर और नीचे के पार्ट को। तो जब इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे तो ठंड बढ़ती जाती है, इस प्रकार वेजिटेशन भी चेंज होता जाता है। तो हिमालयन एरिया के अंदर आपको वो सारी वेजिटेशन मिलेगी जो पोलर रीजन्स में होती है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। अब बदलाव क्यों आता है? क्लाइमेट में बदलाव के कारण। तो एक ही चीज़ है जो हमको याद रखनी है कि किसी भी जगह पर वेजिटेशन बदल जाती है। आप यहाँ जंगल में देखोगे जाकर तो हरे भरे पेड़ घने दिखेंगे, वहीं आप सूखी जगहों पर, आप रेगिस्तान में चले जाओगे तो कांटेदार झाड़ियाँ, कीकर, कांटे वाले पेड़ होते हैं। ऐसा क्यों है भाई? वहाँ पर इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। Let us get to know different types of natural vegetation. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की वेजिटेशन के बारे में, जिसमें पहले हम जानेंगे ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये फॉरेस्ट की जानकारी है, हमारे फॉरेस्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनका दूसरा नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं? इक्वेटर के नज़दीक में, ट्रॉपिक रीजन्स, जो कि हमारा, आपको पता ना हमारी अर्थ जो है, अर्थ को तीन पार्ट में बांटा जाता है, बीच में से इक्वेटर जाता है, इक्वेटर से ऊपर एक और लाइन होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो हमारे गुजरात में से भी गुजरती है, और वैसी एक लाइन थोड़ा नीचे होती है इक्वेटर की जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक रीजन है और इक्वेटर, इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच का जो एरिया है, वहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ये बहुत ही गर्म होते हैं, ये एरिया जो आप बोल रहा हूँ ना मैं, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स बहुत गर्म होते हैं, यहाँ पर बहुत रेनफॉल होती है पूरा साल। एज देर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर ड्राई सीजन नहीं होता है पर्टिकुलर। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, पेड़ों के पत्ते, शेड मतलब होता है गिरना, पेड़ों के पत्ते गिरते ही नहीं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि अब पेड़ों के पत्ते गिरेंगे। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, यहाँ पर पेड़ों के पत्ते कभी गिरते नहीं,
थोड़े बहुत शेड वाले हो, बाकी जनरली वहाँ पर पेड़ों के पत्ते गिरते ही नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश में पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है। एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। यहाँ पर देखिए वर्ड दिया गया कैनोपीज और पेनेट्रेट। कैनोपीज का मतलब होता है, आपको पता है ना, जब घने पेड़ हों, घने पेड़ होते हैं तो उसमें बीच में थोड़े से पत्तों के बीच में से जगह होती है जहाँ से धूप नीचे आती है, बाकी जनरली धूप नीचे आती नहीं है। तो कैनोपीज में से धूप, बहुत ही कम धूप जो है जमीन को टच करती है। और पेनेट्रेट का मतलब होता है चीर कर अंदर जाना, यानी कि पेड़ों की झुंड को चीर कर वो धूप जो है थोड़ी सी अंदर जाती है, ज़्यादा धूप वहाँ पर नहीं होती है। बाहर तो होती है लेकिन अंदर नहीं, जमीन को टच नहीं कर पाती, इसीलिए वो पेड़ हमेशा जमीन गीली रहती है, नमी वाली, और वहाँ पर नए नए पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगती रहती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ उगते हैं, रोजवुड, एबनी, महगनी, ये पेड़ जो है ये कॉमनली यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक फोटो भी दी गई है एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अगला जो है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और भारत के काफ़ी बड़े इलाके में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं और अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी। ये रीजन्स जो हैं यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते हैं, यानी कि समय समय पर बदलाव होते रहते हैं सीजन में। ट्रीज जो हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, कब, ड्राई सीजन में, जब सूखा मौसम आता है ना तो पेड़ों के पत्ते सारे गिर जाते हैं। आपने देखा ना भारत के अंदर, हमारे यहाँ पर एक टाइम आता है जब सारे पेड़ जो हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, अभी जैसे शुरू हो गया। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो हैं साल, टीक, नीम, शीशम, ये पेड़ जो हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। इनका उपयोग किसके लिए होता है ज़्यादातर, ये वुड हार्ड होती है इसलिए फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के तौर पर इनका उपयोग होता है। यहाँ पर पेड़ घने होते हैं इसलिए यहाँ पर लायन, टाइगर, एलिफेंट, लंगूर और मंकीज जैसे प्राणी भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइगर भी दिखाया गया है, गोल्डन लंगूर है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की एक तस्वीर भी दी गई है। आगे हम देखेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो होते हैं ये ज़्यादातर लैटिट्यूड्स के बीच वाले रीजन में, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ किनारा होता है वहाँ पर। ज़्यादातर दुनिया के किस पार्ट में देखने को मिलते हैं, ये USA, चाइना और ब्राज़ील के अंदर ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर दोनों तरह के पेड़ होते हैं, हार्डवुड वाले भी होते हैं सख्त और सॉफ्ट वाले भी होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। ये वो पेड़ हैं जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हैं। आगे है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स यानी कि ऊंचाई की तरफ जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वैसे वैसे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। ये ज़्यादातर देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न US, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और वेस्टर्न यूरोप के कुछ एरियाज में देखने को मिलते हैं। इनके पत्ते ड्राई सीजन में गिर जाते हैं, जब ड्राई सीजन आता है, सूखा सीजन, उस टाइम इसके पत्ते सब गिर जाते हैं। यहाँ पर ओक, ऐश और बीच, ये पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। नाम याद रखने आपको, कौन कौन से पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर डियर, फॉक्स, वॉल्स ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर फीजेंट्स, मोनाल्स, ये कुछ पक्षियों के नाम, जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हो फीजेंट्स क्या होता है और मोनाल्स क्या होता है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। आगे है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यू हैव लर्न्ड दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट, दे हैव मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट वेजिटेशन। यहाँ पर जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पार्ट को छोड़ दें, यहाँ पर एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट है, तो बाकी एरिया जो बचते हैं यानी कि ईस्ट का ऑपोजिट यानी कि वेस्ट और साउथ वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। मेडिटेरेनियन सी आपने नाम सुना होगा यूरोप में, इसके आजू बाजू ये देखने को मिलते हैं, फिर अफ्रीका और एशिया में भी। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया US। ये मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर जाओगे तो वहाँ भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन कैलिफोर्निया USA में, फिर साउथ वेस्ट अफ्रीका में और साउथ वेस्टर्न
साउथ अमेरिका के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। यहाँ पर जो समर्स होते हैं हॉट और ड्राई होते हैं, विंटर्स जो होते हैं माइल्ड और रेनी, यानी कि बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ पर। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल जो होते हैं, खासकर ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स, ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। लोग जो हैं, पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट। तो यहाँ पर जो पेड़ थे ना, उनको लोगों ने काट दिया है ताकि वो अपनी मर्जी की चीज़ वहाँ पर उगा सकें। अब उन लोगों की मर्जी से वो चीज़ें वहाँ पर उगा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको काट दिया जंगलों। आगे है कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हाइट पे, जैसे हमने कॉनिफरस फॉरेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कोन की तरह होते हैं, क्रिसमस ट्री की तरह, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट आता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा। इनको कुछ जगहों पर टाइगा भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट ऊंचाई वाली जगहों पर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं, लंबे ऊंचे ऊंचे और सॉफ्टवुड वाले ट्रीज होते हैं। ये पेड़ जो हैं ये पल्प बनाने में मदद करते हैं, जिससे आप पेपर बनाते हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करते हो, वो फिर माचिस की तीलियां जो बनाई जाती हैं, वो पैकिंग बॉक्सेस, पैकिंग के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं, वो भी इनसे बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवुड से बनता है सारा कुछ। वहीं चीड़, पाइन, सेडार, ये जो कुछ पेड़ हैं ये भी यहीं पर उगते हैं। इसके अलावा सिल्वर फॉक्स, मिंक, पॉलर बेयर, ये वहाँ पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर दिया गया ताइगा। ताइगा का मतलब क्या होता है? ताइगा का मतलब होता है प्योर एंड अनटच्ड। ये रशियन भाषा में लिखा गया प्योर एंड अनटच्ड। प्योर एंड अनटच्ड मतलब कि बिल्कुल प्योर, जिसको एकदम शुद्ध बोला जा सकता है। आगे हमारा ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दीज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हैं वो दोनों तरफ पाए जाते हैं, इक्वेटर के दोनों तरफ, ट्रॉपिक्स तक, यानी कि हम इक्वेटर से लेकर ऊपर की जो लाइन रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वैसे ही नीचे की लाइन रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां तक पाए जाते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये एवरेज रेनफॉल या फिर कम रेनफॉल वाले एरियाज में भी होते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। यहाँ पर जो घास होती है बहुत ऊंची हो सकती है, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची भी घास, 3-4 मीटर ऊंची बहुत हो जाती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का ग्रासलैंड है जिसको सवाना ग्रासलैंड कहा जाता है, वो ऐसा ही ग्रासलैंड है। एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड, ये यहाँ पर आम देखने को मिलते हैं। आगे है हमारा टॉपिक टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये बीच में पाए जाते हैं, कॉर्नर्स में नहीं, मिड पार्ट में और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर यूजुअली ग्रास जो होती है, घास वो छोटी होती है, कम हाइट वाली होती है और न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है जानवरों के खाने के लिए। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलॉप्स, ये कॉमन पाए जाने वाले वहाँ पर जानवर हैं। आगे है हमारा थॉर्नी बुशेज। थॉर्नी बुशेज मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। ड्राई सूखे कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? शुष्क प्रदेश, जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेनफॉल। यहाँ पर पौधे बहुत कम होते हैं, क्यों? रेनफॉल बहुत कम होती है और गर्मी, स्कॉचिंग हीट, बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी में पेड़ पौधे मर जाते हैं ना। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के डेजर्ट को भी आप देख सकते, भारत में भी डेजर्ट है, राजस्थान में। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. जब आप पोल्स में जाओगे, यानी कि धरती के दोनों कोने ऊपर नॉर्थ और साउथ की तरफ जाओगे, तो बहुत ठंड मिलेगी आपको। The growth of natural vegetation is limited here. यहाँ पर जो पेड़ पौधे बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दूसरी जगहों पर जाते हो तो पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पोल्स में बात करें, यहाँ पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर आपको सिर्फ मोसेज, लिचन्स और छोटी मोटी श्रब, छोटी मोटी झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और ये कब उगते हैं? क्योंकि ये एरिया ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, बहुत कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पर बर्फ पिघलती है, गर्मी आती है, तो जब गर्मी आती है तब थोड़े बहुत ये पौधे उगते हैं।
इसीलिए इसको टुंड्रा टाइप वेजिटेशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। ये वेजिटेशन जो है यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। द एनिमल्स, यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनका थिक फर, उनका ऊपर का जो फर होता है ना बहुत मोटा होता है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। उनकी स्किन भी बहुत थिक होती है ताकि वो इतनी ठंड से अपने आप को बचा सकें। यहाँ पर सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर और स्नो फॉक्सेस जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर।